कल खरीदा था? नहीं, ईद मुबारक। अब क्या करूं? ईदी दो आंटी, काम की बात पे आओ। हाँ, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे सही बात है, तकल्लुफ ही किया आपने। मेरे वालों तुहानू सारिआं जी प्यार भरी सति श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तुम सारे जने बहुत ज्यादा कैंट होंगे। अज की वीडियो शर्म की स्कैचबुक कार्टूनस एनीमेटेड वीडियोज़ होंगे। आप अगर इन्हों दो वीडियोज़ देखिया एंड काफ़ी कैंट होंगे, तो भी वधिया रिस्पोंस दिता सब दे सब ने। तो अज की जी वीडियो है वह टाइटल हैगा छोटी ईद। ये अज आप वीडियो थोड़े नाल देखनी है। सो वीडियो अगे वधन तो पहला जिहड़े बंदे अपने चैनल पर नवे आ गए हैं, तुहानू सारिआं नू कहना भी कि चैनल अपना सबसक्राइब कर लो पंजाबी रियल टीवी, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो पंजाबी रियल टीवी, एंड मेक श्योर कि सबसक्राइब के नाल एक बटन बनया ज्वाइन का, वो तुम क्लिक करोगे तो तीन टायर दिखेंगे, तिना चो एक सिलेक्ट करके साडे चैनल नू सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो रिएक्शन रिक्वेस्ट जिहड़ियां वह पूरियां कीतियां जाणगियां 101% श्योरिटी है। सो जल्दी तो जल्दी ज्वाइन बटन ते क्लिक करके सपोर्ट अपने दिखाओ जी। सो वीडियो करदे बिना किसी देर तो शुरू। अबू ओहो, पहला तो डीपी देखो, कोई लेडी है? अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक, क्या बात है, बड़ा अरसा हो गया, आपकी खैरियत का पता नहीं लगा, कैसी हैं आप? वाह जी वाह, आज बड़ी याद आई आपकी। ओए होए, पकौड़े भी लजीज थे, कल ईद मिलने आएगी आप। अच्छा भी यदी वाइफ तो है नहीं, ठीक है, यदी वाइफ नहीं है, ये किसी होर लेडी ना गल कर रहा है जिहड़ा इन्होंने स्टोरी क्रिएट की है। अगों उस लेडी का रिप्लाई आया खैर मुबारक, तो बच्चा गड्डी च बैठा नाल, अगे देखते हैं की लॉजिक भी। मस्ती होनी है पूरी अज, मस्ती। अबू हाँ बोल। अबू जूते कब लेंगे? जूते अबू अबू हाँ हाँ दिला देते हैं दिला देते हैं, तेरी माँ तो आ जाए दर्जी की दुकान से। अबू लाइटों वाले जूते लेने, दुकान बंद हो जाती है ना। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया, ईद पे लाइटों वाले जूते कौन पहनता है? अबू प्लीज ना। अया चुप कर, पहले जा देख क्या ये माँ बेटी किधर रह गए, बुला के आए इन दोनों को। आए क्या मतलब कमीज नहीं थी, मेरा दिमाग खराब है, मैं सिर्फ शलवार और दुपट्टा दूंगी सीने को। जी मैडम। क्या बकवास कर रहे हैं उस्ताद, किधर है तेरा? वो तो नहीं है मैडम। क्या मतलब नहीं है? उस्ताद गांव चला गया मैडम। अरे भैया तू तो रोना बंद कर। अम्मी अब मैं ईद पे क्या पहनूंगी? उस्ताद को फोन लगा और पता कर इसी वक्त, नहीं तो तू देख ले, मैं बता रही हूँ उससे बड़ा कोई नहीं होगा। जी मैडम आप बैठे, मैं पता करता हूँ। अम्मी आ जाए जल्दी जूते लेने। चुप करके बैठ जाए दरी। आप क्यों रो रही हो, डांट पड़ी है क्या? हाँ उस्ताद, वो बिल्किस बाजी आई हुई है, कह रही है कमीज मिसिंग है। ला दे फोन, अभी से सीधा करती हूँ। अबे वो एंटी तो बहुत परेशान करेगी, वो पीस डैमेज हो गया था, करा दे कोई भी टोपी। हाँ हाँ टोपी पहने का तेरा बाप। अबे छोटू तेरी आवाज को क्या हो गया? वो अपनी आवाज की खैर मना, मैं बता रही हूँ तुझे, मुझे घंटे के अंदर कमीज चाहिए, नहीं तो पेट्रोल डाल के तेरी दुकान जला दूंगी इससे पहले। जी जी मैडम, आप गुस्सा ना हो, घंटे में मिल जाती है आपको कमीज। जी मैडम राइड स्टार्ट कर दूं। अबे तो रो रही है शबनम, बोल किसको ज़िबा करना है? अरे भैया कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं छेड़ा ऐसा, एक ही पल में औरतों रोला बन जाया कर। अबे तू हुआ क्या है? अरे सूट सिलने को दिया था इस कमबख्त दर्जी को, कमीज खराब करके गायब कर दी भाई साहब ने। आज रात तक तू नहीं देता वो। अरे देगा इसका बाप भी देगा, मिल जाएगी घंटे में। अम्मी जूते अब चले फिर घर। अरे अभी कहाँ घर, अभी जूते लेने, सुबह का सौदा भी नहीं लिया है, और तुम्हारा सूट भी लेना है अभी। अरे मेरी फिक्र ना कर, मेरे पास है सूट पिछली ईद का, वही चला लूंगा। भाई आ जो मर्जी है, पर जो घर का एक मेन बंदा होंगे ना, वो हमेशा आही एक जी गल हूँ है ना। मतलब अपने जो फादर साहब है हमेशा इदा ही कहते, कोई ना मेरा कोई ना तुम लाओ। अरे कमबख्त किसके मैसेज आ रहे हैं, एक बार पढ़ ले। अरे छोड़ छोड़, चांद रात मुबारक की मैसेज है। हाँ शबाना बोलो। यार कहाँ रह गए, तीन घंटे हो गए। अरे यार बाल कटवाने आया हूँ नाई की दुकान पर हूँ। कब तक आओगी, मुझे मेहंदी भी लगवानी है ना। यार मुझे टाइम लग जाएगा, बहुत रश लगा हुआ है, तुम अब्बू के साथ चली जाओ। अच्छा फिर ऐसा करो, वापसी पर मेहंदी की कोन और नेल पॉलिश रिमूवर लेते आना याद से। यार पैसे नहीं है मेरे पास। 1000 रुपए लेकर गए हो तुम? यार 500 तो नाई की ईद ही है सिर्फ। असल रमजान के पहले अशरे से हम यही नियत करते हैं कि वक्त से ईद की शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन लेट्स एडमिट इट, हमें से अक्सर ईद की ज्यादातर शॉपिंग चांद रात को ही निपटाते हैं। यही वजह है कि चांद रात को पूरी कौम बाजारों में, सड़कें तंग और वक्त तेज महसूस होता है। रात के 3 बजे भी शीर खोरमे के सामान की खरीदारी चल रही होती है और पार्लर्स में लाखों का धंधा होता है। आज शबनम कितनी देर रहेगी? पता नहीं यार, कब से बैठी हो, बारी का हिसाब नहीं है इधर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितने की लगा रहे मेहंदी? एक साइड के 800। यार 200 की कौन आती है, चलो मैं लगा देता हूँ। यार वो देखो वो औरत मेरे बाद आई थी, उसको पहले लगाना शुरू कर दिया। ये क्या बदमाशी है, इसकी एसी की तेजी मैं अभी बात करता हूँ। भाई कमाल है, हाथों की सफाई तो कोई आपसे सीखे। बस मैडम हमारा तो काम ही यही है। 12 इयर्स से कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मर्द लड़का
वो मैंने पता करने आप बारी का कोई हिसाब नहीं है, डोंट नो हम आपसे पहले आए हैं। आपको शर्म नहीं आती आप लेडीज एरिया में खड़े हुए? अरे तुम्हें कौन सा तोलिया बांध के खड़ा हूँ। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ शर्म नहीं आती आप जवान लड़कियों में घुसते हो? आप जवान हो? चोर है मार साले को। अरे मेरी बात तो सुने, एक मिनट बात तो सुने मेरी। खाने को नहीं लाया। वैसे तो रियलिटी नाल कोई लेना देना नहीं था, पर ठीक है हासिल हो, मजाक है। अरे इतना रश था भाई, शॉपिंग ही बहुत मुश्किल हुई है। तो आप लोग खा क्या है? अरे किसी ने कुछ नहीं खाया, सब भूखे हैं। आज फूड पांडा ही मंगवा लो। ये तो और अच्छी बात है, अपना वीजा क्रेडिट कार्ड दे। अरे कैश ऑन डिलीवरी करा लो ना। अरे नहीं, वो असल में सेवियर ऐप के थ्रू फूड पांडा ऑर्डर करवाऊंगा ना। वीजा और सेवियर ऐप ने रिसेंटली पार्टनर किया आपस में, तो अब ये है कि मेरे पास अगर वीजा क्रेडिट कार्ड है ना, तो सेवियर मुझे फूड पांडा और टेलीमार्ट दोनों पर 100% कैशबैक दे रहा है। यानी अगर 4% फूड पांडा या टेलीमार्ट पर कैशबैक ऑलरेडी है तो वीजा कार्ड की वजह। ये तो बहुत फिट है। अच्छा, तो इसी सेवियर वीजा ऑफर के थ्रू मैं टेलीमार्ट से मोबाइल भी मंगवा लूं? तुम एकदम नहीं फैल गए? मैं जरा सी शर्म है, ईद की नमाज भी छोड़ने का इरादा है। क्या टाइम हुआ अबू? अरे 7:30 नमाज है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, खुदा जाना पैदल। अबू खुद तैयार हो गया। छोटी ईद की नू कहंदे है? मतलब जो 15 दिन लंघ जाते हैं रोजियां दे उदों कहंदे है, या ईद तो एक दिन पहला मतलब छोटी ईद किया जाता है? मैनू एक कमेंट करके दस्यो ठीक है। आप मुझे भी उठा देते, बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब। रुबीना ये बनैन किधर छुपा के रखी है, देर हो रही है नमाज को। अरे वही अलमारी में देखे ना, अपनी साइड वाली दराज में देखे। अरे कितनी दफा कहे माई को कहो मत घुसाया कर इतना छुपा के, किधर है? नहीं मिल रही यार, देखो जल्दी देखो। अरे गौर से देखें जरा, आंखें खोलें। हां ठीक है, मिल गई मिल गई। दम ही चिल्लाना शुरू कर देते। ला भाई दे दे अब बस। हाँ हाँ सबर करो। अबे देर हो रही है, तुफेल से पहले पहुंचना है मस्जिद। वैसे अल्लाह मेरी तौबा, मैं अकेले ही लगी रहती हूँ सबके कामों में। वे ही प्रेजेंट्स द वीडियो एक्चुअली, कि जिदा एक हर एक अलग अलग घर की कहानी दिखा रहा है, मतलब फैमिलीज़ दे विच की ड्रामास चलते हैं, की सिचुएशनस होंदियां है ना, हर घर की कहानी बंदे ने दसी है। एंड वेल डन यार, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, स्ट्रोंग स्क्रिप्ट है। मजा ले शबनम या दबीर, मेरी कुछ मदद करा दे। अब बाप के कपड़े इन लोग की जिम्मेदारी है, मेरी एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जलब दे दे। ये लो। ये क्या नारा नहीं है? कल खरीदा था? नहीं। ईद मुबारक। अब क्या करूं? वो कह रही है कल खरीदा सी, कहते नहीं, कहते ईद मुबारक। This one can't. पुरानी शलवार से निकालो और क्या। ओ गुलाबी नाड़ा हजारों दराज में रखा है। Have a nice day. बिलाखिर वो अजीम घड़ी आती है जिसका इंतजार पूरे रमजान सभी को रहता है, यानी ईद की नमाज। अरे वाड़े वाह, क्या बात है भाई, आज तू कोई नमाजी नजर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था मैं लेट हूँ। ये तो अभी तक लोग उठे ही नहीं। वैसे कैसे मुसलमान है, ईद का तो एहतराम कर लेता है बंदा, थोड़ा जल्दी निकला है। क्या फिर इमाम जब चौथी तकबीर कहेगा। ये इमाम कोई और है, अपनी बात कर रहे हैं। रुकू में चले जाएंगे और आगे नमाज मामूल के मुताबिक तकमील होगी। अब तमाम नमाजी सफे बना लें। अरे मैं तरीका तो समझा ही नहीं। कर खड़े हों, बीच में जगह खाली ना रहे। आगे आ जाओ भाईजान, आगे आ जाओ, 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 और अपने मोबाइल फोन बंद। आगे आ जाओ भाईजान, आगे आ जाओ। यार आप खुद तो आगे जाओ, सबको कह रहे हो। मैं इधर ही हूँ, वो पंखे के नीचे है ना। वलम यक अभी कह रहा। मतलब लोगों के मन च आउंदी होनी है ना कि असीं पंखे दे थले खड़ना। कुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर। जाओ गलत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्हें तरीका नहीं समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। As-salamu alaykum wa rahmatullah. Abhi khutba hoga aur phir dua hogi. Bhai kahan ja rahe ho, khutba to sun lo, Eid ki namaz nahi hogi. Bhai tu apni aakhirat ki fikr kar. Kafir. ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। हो गया जी 3 दफा। अरे ये अंकल तो मुझे देख रहे हैं। जाने पहचाने तो लग रहे हैं। मिलूं इनसे कि ना मिलूं, 3 दफा का काउंट पूरा करना पड़ेगा। ईद मुबारक इतनी सा। अच्छा, 3 दफा मतलब जिदा ईद मतलब नमाज पढ़ने तो बाद 3 बारी गले मिलना होंगे 3 लोगों के, यही गल है। खैर मुबारक। कटले भाई कटले, निकल ले।
मस्जिद तो उस तरफ है, ये नमाजी वापस क्यों आ रहे हैं? एक मिनट, नमाज मिस तो नहीं हो गई? ईद मुबारक चीते। खैर मुबारक। अबे कौन सी सफ में था, आज तो नजर ही नहीं आया। यार अगली नमाज कौन सी मस्जिद में मिलेगी? अबे नमाज मिस हो गई? ओ चल कोई नहीं कोई नहीं, इस साल क्रिसमस मना लेना। अरे दिलबर भैया क्या बताएं, असल बात तो हमारे दौर की थी, बगैर सहरी के रोजे रखकर पैदल सफर करते थे। वैसे लाजमी नहीं है हर महफिल में इतनी ऊंची ऊंची छोड़ना। माजरत। अरे भैया ले निमको, ले निमको। इफी नजर नहीं आ रहे, क्या बात। मैं हंस रहा हूं इन्हें लाफ, इन्हें जिधर डबिंग की थी ना भाई ने, इट्स वेरी कैंड यार, मजा आ गया। अरे यहीं कहीं होगा। वो टोकी अंकल आए हुए, इसे ही पैसे वाली पार्टी है, ये दी थी उन्होंने? नहीं भाई अभी तक तो नहीं दी। अबे तो यहाँ क्या कर रहे है? सामने बैठना जाके, तेरी शक्ल नजर आएगी तो टॉपिक तो छिड़े ही थी का। पहुँच पहुँच। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। दीदी तो आंटी काम की बात पे आओ। अम्मी आपने बुलाया था? हाँ बैठ जाए तेरी शाबाश, याद कर रहे थे तुझे मेहमान। और बेटा कौन सी क्लास में हो? टू। माशाल्लाह। हाँ भाई ईदी मिली? कोई नहीं, साथ वाले अंकल ने दिए 1000 रुपीज। अरे वाह, इधर देते तुझसे घूमो जाएंगे। शाबाश। नहीं अम्मी ठीक है। अरे कह रही हूँ जब वापस ले लेना जब चाहिए, नहीं तो फिर रोएगा बाद में घूमोगे। हाँ भाई बच्चों से कहाँ संभलती है। तोकीर भाई आप भी ज्यादा बस बातें ना करो, पैसों को हवा लगाओ थोड़ी। अरे अरे मैं तो बस देने ही वाला था। बेटा जी अंकल, ये 1 2 3। अरे वाह बाबू, ये लो बेटा आपकी दी 100 रुपए। अबे ये क्या, 100 रुपए में तो दर्जन अंडे भी नहीं आते, 1000 दे। अच्छा ईदी चाहिए सौदे के पैसे? एक ही समझ। अरे चलो यार आप भी नाराज क्यों, तो ये लो बेटा 1000 रुपए ले लो। थैंक यू अंकल। अरे तोकी भाई मैं तो मजाक कर रहा था, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत। अरे सही बात है, तकल्लुफ ही किया आपने। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। इफी बेटा जी अंकल, ये पैसे आपस में भाई बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। शाबाश। ये ना भाभी। अरे वापिस क्यों कर रही है? अरे भैया वापिस नहीं कर रही, ये हमारी तरफ से छोटे के लिए ईदी। अरे लेकिन ये तो हमने बच्चों के लिए दिए थे। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ बच्चों की ईदी आपको दे दी, बच्चों की ईदी मेरे पास महफूज है, दे दूंगी इन्हें जब चाहिए होंगे। क्यों भाई इफ्पी? अब नहीं आते पैसे वापिस। चल सच्चा। अभी और भी बहुत पॉइंट्स थे मेरे पास ईद के टॉपिक। कैडा भाई एक्चुअली ये लॉजिक जरा जिदा हमने इन्होंने दिखाया ना कि ईद के जो कोई रिश्तेदार आता तो वह पैसे दे के जाते हैं, है ना। पर जनरली भी जो कोई रिश्तेदार आता ना घर तो वह पैसे दे के जाते हैं, तो फिर रिटर्न भी देने होंगे, है ना। तो फिर उ जो 100-200 होंगे 500 होंगे उही फट के उही उन्होंने जवाकों दे देना। मतलब ये फॉरमैलिटीज करन की लड़ भी क्यों होंगी है, है ना। जेकर तुम उ पैसे वापस ही करने हैं तो उस उन्हों की जेब च ही रहन दो भरावा, क्यों लेने का तू पहल, है ना। ये मतलब एक मैनू दुनिया का रिवाज नहीं समझ आया, मतलब बड़े रिवाज है इदा अपने पंजाबियों तो बड़े भरे पे आ, ठीक है। तो पर अज की वीडियो की गल करिए, वीडियो बहुत कैंट से भी मज़ा आया। शाहरूम की स्केचबुक भाई बहुत वधिया काम करता, यदि जिहड़ा स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका एंड जो डायलॉग्स आ एंड जिहड़ा वे ऑफ प्रजेंटेशन आ बहुत कैंट आ। मतलब जिहड़ा इहदे कार्टूनस का स्टाइल है ना वो बड़ा डिफरेंट आ, सारे वैक्टराइज्ड करैक्टर्स आ, ठीक है। तो उन्होंने इन्ह की एक अपनी अलग पहचान बनाई है, मतलब उदा नहीं है कि जो एक एनीमेशन जो जो प्रिंसीपल्स होंगे उन्होंने चीज़ों छड़ के एक अलग तो इन्हें दुनिया क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अलग अलग फैमिलीज किदा काम कर दी, मतलब काफ़ी घेंट से यार, मैं मज़ा आया वीडियो देख के। तुम पता लगे नीचे कमेंट करके मैं जरूर दस्यो, बाई द चैनल जाके जरूर चैक करो, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ से। आई नो वेरी वैल बिकॉज मैं भी एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया का जो BSc की हुई है, तो वो मैं पता कि जिदा करैक्टर्स क्रिएट करने फिर उन्होंने एनीमेट करना इट्स रियली डिफिकल्ट। इस करके जी इन्होंने एनीमेशन रखी है वो बड़ी माइनर जी रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, ठीक है। लेकिन आप कदे कदे देखते जिदा वॉकिंग दिखा रहे हैं दूजा दिखा रहे हैं, तो इट्स टेक अ टाइम, टाइम लगता हर एक चीज़ से, एफर्ट्स लगते हैं। हो सकता इन्हों की पूरी टीम हो इस वीडियोज़ के पिछे, बट एक बंदे इदा की फुल वीडियो एडी बनानी काफ़ी दिन लग जाते हैं, अराउंड 5-6 दिन आराम लग जाते एक वीडियो से। सो ठीक है।
मजा आया मैनू। मेरे ख्याल थोड़े पाकिस्तान के कार्टून बारे मैं नहीं पता कि लोग जो बच्चे उतों के कार्टून देखते हैं या नहीं देखते। इंडिया के जो कार्टून नैटवर्क है ना काफ़ी फेमस है, कार्टून नैटवर्क चैनल नहीं आई मीन टू से कार्टून जी एनीमेशन आ बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े सारे चैनल्स है जिन्हें चलते हैं, बट मैं पाकिस्तान का पता नहीं है। पाकिस्तान की मैं एक इकलौती आह चीज़ देख रहा जो आप कदम कोई कोई फिल्म आती है उत्थे देख लिया है ना, पर तुहाडे डेली रूटीन दे विच तुहाडे नैशनल टैलीविज़न ते आउंदे आ कि नहीं आउंदे आई डोंट नो, वह तुसीं मैनूं कमेंट करके वह भी दस सकदे आ। एक छोटी दस्सो किहड़ी हुंदी आ जदों 15 दिन हो जांदे आ रोज़ां दे ओह, जां एक ईद तो एक दिन पहलां उहनूं छोटी ईद कहिंदे आ, कमेंट डाउन बिलो जां फिर इहनां दोनों चों नहीं कोई होर रीज़न आ वह भी मैनूं दस दिओ। सो वीडियो नूं हुण वध तों वध शेयर करो वट्सअप दे ग्रुपां दे विच अपने यारां दोस्तां मित्रां दे नाल, ते मैं मिलदा तुहानूं किसे होर वीडियो, तद तक मैनूं दिओ इजाज़त, सति श्री अकाल।